अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम को जिन लोगों से गरमाया जाएगा वो माशरे के तीन अहम लोग होंगे। माशरे में इन तीनों को बहुत पावर मिला होगा, पूरा माशरा इनकी इज्जत करता है। ये तीन लोग जहन्नम में डाले नहीं जाएंगे, बल्कि जहन्नम में मेटेरियल के तौर पर इनका इस्तेमाल होगा। जहन्नम को भड़काने के लिए, जलाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल होगा। वो तीन लोग कौन होंगे? कौन होंगे वो तीन लोग? कभी आपने गौर किया? समाज और माशरे के तीनों मजबूत सुतून होंगे। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, अपनी नेमत को याद दिलाएगा, मैंने तुझे बहुत माल दिया था। वो कहेगा, हाँ अल्लाह, तू माल दिया था। तो अल्लाह ताला पूछेगा, तूने उस माल का क्या किया? ये शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों पर मैंने लुटा दिया, गरीबों की मदद की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्किनों की, मस्जिद बनवाए, मदरसे बनवाए, तूने जो भी माल दिया था मैंने सब तेरे रास्ते में लुटा दिया। कितना अच्छा, कितना नेक काम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहेगा, हाँ ये तो ठीक है, तूने ये सब काम किया, लेकिन तेरी नीयत ठीक नहीं थी, इखलास नहीं था, चुनांचे उस शख्स को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक मालदार शख्स जिसने अपनी पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटा दी, इखलास ना होने की वजह से कहाँ जा रहा है? जहन्नम में जा रहा है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है। समाज और माशरे में हम उलमा और उफ़ास की कितनी कदर करते हैं, और कदर करनी चाहिए, इसलिए कि ये वारिसिन अंबिया हैं, ये नाइब रसूल हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। अब उनके अंदर इखलास कितना है ये उन्हें मालूम। अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा, अपनी नेमत याद दिलाएगा, मैंने तुझे कुरान का इल्म दिया था। कहा, हाँ अल्लाह, दिया था तूने। कहा, क्या किया? कहा, मैंने तेरे कुरान को तेरे बंदों तक पहुंचाया, पढ़ पढ़ के सुनाया, समझाया, सबको बताया। अल्लाह ताला कहेगा, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन इखलास नहीं था, इखलास नहीं था, तेरी नीयत सही नहीं थी, चुनांचे ऐसे शख्स को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सोचिए, मालदार आदमी जहन्नम में गया, हाफिज आलिम, दीन का इल्म रखने वाला जहन्नम में गया। तीसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुव्वत और ताकत दी है, अल्लाह के रास्ते में जंग करता है, अपनी बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसको बुलाएगा, पूछेगा, मैंने तुझे ताकत दी थी, तूने क्या किया? कहा, अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने लड़ा, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला कहेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन तेरी नीयत सही नहीं थी। तेरा मकसद यह था कि लोग तुझे पहलवान कहें, लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे शहीद कहें, दुनिया ने तुझे कहा। चुनांचे उसको भी घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही तीन लोग हैं जिनसे जहन्नम को गरमाया जाएगा, भड़काया जाएगा। अब आप सोचें कि ये तीनों समाज और माशरे के कितने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। एक आलिम की, एक हाफिज़ की हम कितनी इज्जत करते हैं, एक सखी मालदार की हम कितनी इज्जत करते हैं, एक बहादुर शख्स की हम कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर इखलास नहीं है तो ये जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिलों में इखलास पैदा करो। इखलास ये जन्नत का रास्ता है, रियाकारी ये जहन्नम के रास्ते पर ले जाने वाली है। इसलिए अपने आप को रियाकारी से बचाने की कोशिश करो।